गुड़ की खीर बनाने के लिए चाहिए दूध 1 लीटर, चावल और गुड़। सबसे पहले दूध को गर्म करेंगे। जब दूध अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद ही चावल को धोकर साफ करके अच्छे से डालेंगे इसमें। बहुत से व्यूअर्स का कहना था कि वो गुड़ की खीर बनाते हैं तो दूध फट जाता है गुड़ डालने के बाद। मैंने सोचा कि चलो आज मैं फिर से बनाकर आपको दोबारा दिखाती हूँ। दूध उबल चुका है, अब इसमें चावल डालेंगे। अच्छे से चला देंगे और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब एक साइड गैस पर पानी चढ़ाएंगे और पानी ये उबल जाएगा उसके बाद इसमें गुड़ डालकर, पानी में गुड़ डालकर इसको अच्छे से गला लेंगे। जब ये पूरी तरह से गल जाएगा उसके बाद खीर बनने के बाद इस उसमें डालेंगे। गुड़ पानी में मिक्स हो गया है। एक बात का ख्याल रखें कि जितना चावल हो उसी अनुपात में गुड़ डालें, नहीं तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखिए चावल एकदम गल चुका है, ये चावल हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और गुड़ जो डालेंगे सो गुड़ डालने के बाद हम एक ही दिशा में इसको घुमाएंगे, एक साइड ही। इसको अच्छे से मिलाकर और 1-1.5 घंटे के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे। तो गुड़ डालने के से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गुड़ को पानी में पिघलाने के बाद उसको छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए गुड़ की खीर तैयार है। अब इसको हम 1-1.5 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे।